प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का राजकीय दौरा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। आखिरी दिन पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के समुदाय को संबोधित किया। इस समारोह में अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबैन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया और पीएम मोदी के पैर छुए। मैरी का ये अंदाज हर भारतीय के दिल में बस गया। अमेरिका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैरी मिलबैन ने पीएम मोदी के समापन समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो यहां आकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी मैरी मिलबैन की शानदार प्रस्तुति पर तालियां बजा रहे थे, तभी मैरी मिलबैन ने आकर पीएम मोदी के पैर छू लिए। मैरी मिलबैन को पैर छूते देख पीएम मोदी ने उन्हें रोका और उनसे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी मैरी मिलबैन को भारतीय अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर सलाम करते हुए नजर आए। जवाब में मैरी मिलबैन भी दोनों हाथ जोड़कर पीएम का अभिवादन स्वीकार करती नजर आईं। औकात में रहो, हम कोई आम नहीं, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं और हमारी भाषा बहुत ही शोभनीय है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनकी हरकतें कह रही हैं। भाषा इतनी शोभनीय है कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। दरअसल मामला नीमच का है, जहां बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अनिल नागौरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि महिला टोलकर्मी ने 51 रुपए टोल के मांगे। फिर क्या, वो ऐसे भड़के कि महिला कर्मचारियों को धमकाने लगे और गाली गलौज पर उतर आए। मामला पिपलिया मंडी टोल टैक्स का है। बिल्कुल। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। वो नदी जहां लोग स्नान कर शुद्ध हो जाते हैं, वो नदी जहां के जल से पूजा होती है, वो नदी जिसे कहते हैं इस नदी के पानी को कितने भी दिन डिब्बे में बंद करके रख दो, इसमें सड़न नहीं होगी, वो नदी जो जैन की पहचान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्षिप्रा नदी की। लेकिन इन दिनों क्षिप्रा नदी की हालत क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल उज्जैन में स्थित क्षिप्रा नदी में नाले का गंदा पानी गिराया जा रहा है। रामघाट पर ओवरफ्लो होने की वजह से नदी में नाले का पानी आकर मिल रहा है और नदी में मिल रहे पानी वहां की निगम प्रशासन की पोल को खोलकर रख रहा है। और वहीं इस दृश्य के बाद साधु संतों ने इस बात पर आक्रोश प्रकट किया। आपने घरों में चोरी की कई वारदातों के बारे में सुना होगा, दफ्तरों और दुकानों में भी चोरी की वारदातों के बारे में जानकारी मिलती रही होगी, गाड़ियां बाइक चोरी भी होते हुए देखा होगा। लेकिन अब ये देखिए, बैटरी चोर, वो एटीएम में लगी बैटरीज पर हाथ साफ करने पहुंचे। वैसे तो बदमाश एटीएम और बैंक को आमतौर पर पैसों के लिए निशाना बनाते हैं, लेकिन भिंड में नकाबपोश बदमाश एटीएम से रुपयों के बजाय बैटरी चोरी करने पहुंचे। देहात थाना इलाके के बस स्टैंड के पास स्थित एसबीआई एटीएम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम के गेट को तोड़कर बैटरी ले जाते नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जहां देश तकनीक के क्षेत्र में आगे निकल रहा है, शिक्षा के चलते आगे बढ़ रहा है, स्कूल्स अस्पताल स्मार्ट हो रहे हैं, तो वहीं आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में यकीन रखते हैं और उसी अंधविश्वास ने एक की जान ले ली। दरअसल मामला खरगोन के झिरन्या का है, जहां एक युवती को सांप ने काट लिया। अब सर्पदंश को अस्पताल में इलाज कराने के बजाय झाड़ फूंक में उलझा दिया गया। पीड़िता को अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि झाड़ फूंक दी गई। तस्वीरें देखिए, हाथ में नीम के पत्ते और मंत्रों का उच्चारण करती, ये अस्पताल में इलाज का तरीका है? अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते लड़की की जान चली गई। समय से बेहतर इलाज न मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। दरअसल उसे पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी और तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के ही चलते उस युवती की जान गई।
बदमाशों द्वारा गुंडागर्दी की तस्वीर जबलपुर से आई, जहां बदमाश खुलेआम एक शख्स की पिटाई कर रहे थे। बीच बचाव करने आए पुजारी को भी बदमाशों ने जमकर पीटा। ये तस्वीर खेरमाई मंदिर के बाहर की है, जहां कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचते हैं और वहां मौजूद शख्स की पिटाई करते हैं। जब मंदिर का पुजारी बीच बचाव करने आता है तो फिर बदमाश पुजारी को भी बेरहमी से पीटने लगते हैं। मारपीट की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखिए किस तरह से बदमाश बुरी तरह से पुजारी की पिटाई कर रहे हैं। वहीं मौजूद लोग छुड़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, हालांकि वहां पुलिस कर्मचारी भी खड़े हैं, लेकिन उसके सामने हुई मारपीट पर पुलिस कर्मचारी बीच बचाव करने नहीं आए, जो कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। प्यार जिंदगी भी है और मौत भी। इसका उदाहरण बालाघाट के डोंगर गांव से सामने आया, जहां एक लड़की के प्यार में दो सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि आप इसे सुनकर दंग रह जाएंगे। प्रेम की इस खौफनाक कहानी में एक भाई ने दूसरे भाई की ही हत्या कर दी, वो भी सिर पर हथौड़े से वार करके। रामलाल उपवंशी के दो बेटे, एक शिवशंकर दूसरा मासूम, दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया, लेकिन लड़की को छोटे भाई मासूम से बेइंतहा मोहब्बत थी और इन दोनों की मोहब्बत बड़े भाई शिवशंकर को खटकने लगी और ऐसी खटकी कि उसने अपने ही छोटे भाई की हत्या कर दी। दरअसल बड़े भाई ने प्लान बनाया छोटे भाई की हत्या का, जिसके लिए वो मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन दोनों भाई नागपुर से वारा सिवनी जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। फिर उसने कई कहानियां गढ़ी, पुलिस को अलग अलग बातें बताकर उलझाता रहा। वह कभी कहता कि जब वो दोनों भाई अपने गांव जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उसके भाई पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस जब परत दर परत तफ्तीश करने लगी तो सारा राज फाश हो गया और पता चला कि बड़े भाई ने ही अपने पास रखे छेनी से उसके सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और इस तरह उसके प्रेम का अंत कर दिया। ग्वालियर से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने निकल कर आया है, जहां वो कुछ बच्चियों के लिए उजाला बनकर आए हैं। दरअसल ग्वालियर के एक थाने के चौकीदार अपने बेटे के इलाज के लिए जयारोगी अस्पताल में थे। घर में कोई नहीं था, अंधेरा था, बिजली भी नहीं, और फिर एसडीओपी ने अंधेरे में सो रही बच्चियों के लिए आधी रात में रोशनी जलाई। देखते हैं बच्चियों के लिए उजाला हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। जब पूरा बिजली विभाग के कर्मचारी आ गए हमारे, देखो रात में भी ड्यूटी पर तैनात हैं। मैं प्रयास करता हूँ मेरा कि जो कर सकता हूँ उसका प्रयास करूँ। जल गई क्या? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। आ गई क्या लाइट गुड़िया? तुम बताते, पहले बताना चाहिए तो सुबह से बताओ, परेशान हो। अब अंदर सोओगे ना? चलो अंदर लेटो, इनको भी ले जाओ। दरअसल चौकीदार विनोद के बेटे का जया रोगी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी देखरेख के लिए चौकीदार पत्नी सहित अस्पताल में ही था। इधर गांव में बिजली गुम होने के बाद चौकीदार की तीन बेटियां अंधेरे में सहम गयी। चौकीदार ने एसडीओपी से पूरी बात बताई। जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी तत्काल चौकीदार के घर पहुंचे और बिजली ठीक करवाई। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक दूसरे पर लाठी डंडे तक चल गए, जिसमें दोनों तरफ से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट में दो की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठियां भांजी गईं, जिनमें एक पक्ष के अशोक, बीरबल, अजय, धर्मू, राजू, वहीं दूसरे पक्ष के विजेंद्र, राम, रतन, कुशवाहा घायल हो गए, जिनमें से अजय और धर्मू को ज्यादा चोट आने के चलते जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इसमें दो की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना जौरा थाना क्षेत्र के बल्लापुरा गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर विजेंद्र कुशवाहा और अशोक कुशवाहा के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रदेश में अपराध
और अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, तभी तो दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर अपहरण हो रहा है और फिर दुष्कर्म। दरअसल मुरैना से एक युवती के अपहरण और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 16 जून की रात हथियारबंद बदमाशों ने युवती को उसके घर से उठा लिया और फिर उसे 5 दिन तक बंधक बनाकर रखा, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। 5 दिन बाद जब युवती किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर लौटी तो शिकायत लिखवाने परिजनों के साथ सीधा थाने पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने भी पीड़िता पर FIR दर्ज नहीं करने का दबाव बनाया। बहरहाल सिटी कोतवाली में 2 नामजद आरोपियों का रेप के मामले पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इस मामले में आरक्षकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बलौदा बाजार से महिला बाल विकास विभाग में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगातार 3 वर्ष से नदारद हैं, फिर भी वेतन दिया जा रहा है। मामला महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना सोनाखान क्षेत्र का है, जहां ग्राम कोर्राडीह में पदस्थ मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संतोषी चौहान विगत 3 वर्षों से अनुपस्थित हैं, फिर भी उसके यूको बैंक खाते में वेतन जमा किया जा रहा है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुलने से छोटे बच्चे गांव की गलियों में घूमते फिरते नजर आते हैं। इस आंगनवाड़ी केंद्र के विरुद्ध ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार लिखित शिकायत की, फिर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नदारद हैं, वहीं लोग जांच की मांग कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धमतरी के नगरी ब्लॉक में भारी बारिश हुई। बारिश के चलते सोंढूर नदी में पानी चढ़ गया और नदी के उस पार बसे 6 गांव ब्लॉक मुख्यालय से कट गए। जिन्हें जरूरी काम से जाना था उन्हें कमर तक के पानी में उतर कर नदी पार करनी पड़ी। लोगों ने अपने बच्चे और सामान को सिर पर और कंधे पर रख कर खतरा उठाते हुए नदी पार की। आपको बता दें कि ये इलाका टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, इस कारण यहाँ सड़क और पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। सोंढूर नदी के पार बसे रिसगांव, गादुल बाहर, करही, जोर तराई, करका और आमा बहारा गांव के लोगों के लिए नगरी जाने का यही एकमात्र रास्ता है। इन 6 गांवों के लोगों को हर बरसात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खर्चीली शादियों को रोकने और दहेज की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से गरीब परिवारों की सहायता हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह सतनाम भवन में सम्पन्न कराया गया। इस दौरान नव विवाहित जोड़े को गृहस्थ जीवन की सामग्री और चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि सहित विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और गणमान्य नागरिक वहां मौजूद रहे। नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन की सामग्री और 21,000 रुपए का चेक वितरित किया गया। सामूहिक विवाह के आयोजन को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी गुरप्रीत कौर का कहना है कि सामूहिक विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली 25,000 रुपए की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इसमें 15,000 रुपए की उपहार सामग्री और सिंगार सामग्री दी जा रही है, वहीं 21,000 रुपए का चेक दिया गया है।